हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिपी प्रोलिफिक व्लॉग्स। आज मेरे व्लॉग में हम लोग तिरुपति गए रिसेंटली 2024 फरवरी मंथ में हम लोग ने ट्रैवल किया था। तो हमेशा हम लोग तिरुपति जाते वक्त सीढ़ी चढ़ के हम लोग ऊपर जाते हैं। किसी को चाहिए तो ये वीडियो हेल्पफुल हो जाएगा करके सोच के मैंने वीडियो शेयर कर रहे, जिसको भी जाने का रहते हैं। पूरे 7 माउंटेन्स चढ़ने को थे। एक्चुअली सीढ़ी का 2 प्लेसेस रहते हैं, एक तो श्रीवार मेटलू कहते हैं, उधर 2500 कुछ तो स्टेप्स होता है। फिर ये अल्पेरी स्टेप्स है जिसमें हम लोग को रहेगा 5550 स्टेप्स होते हैं। तो दोनों रास्ता में इसमें थोड़ा आधा स्टेप्स होते हैं, फिर बाद में थोड़ा रास्ता होता है, फिर स्टेप्स होते हैं, ऐसे चढ़ने को होते हैं। और इधर थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहते हैं, श्रीवार मेटलू की इधर थोड़ा भीड़ कम रहता है। सीढ़ी चढ़ते वक्त बीच में आप लोग को टॉयलेट चाहिए तो टॉयलेट्स रहते हैं और ड्रिंकिंग वाटर भी रहते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखो, जब भी आप लोग ट्रैवल करें कंपलसरी खुद का वाटर बॉटल लेके जाओ, काली बॉटल जो भी रहेगा आपका, तो आप लोग को वाटर उधर फिल कर सकते हैं। आरओ वाटर मिलेगा आप लोग को, प्योरीफाइड वाटर, बिकॉज उधर प्लास्टिक अलाउ नहीं करते हैं। फिर हम लोग को कांच का बॉटल खरीद करना पड़ता है जिसका कॉस्ट 80 रुपीज़ होता है। तो 80 रुपीज़ खरीद करने से अच्छा हम लोग बॉटल खुद का लेके जाने का है। तो हम लोग चढ़ते चढ़ते इधर बीच में आप लोग को रोडवे का भी रास्ता दिखाई देगा और बहुत सारे एनिमल्स की भी व्यूज मिलते हैं आपको रास्ते में। बहुत जने ऐसे भी लगाते हैं कर्पूर लगा के हर शेप में जलाते जाते हैं, और नहीं तो हल्दी कुमकुम लगा के जाते हैं। अभी ये मोकाल पर्वतम कहते हैं, इधर बहुत लोग ने घुटने के ऊपर चढ़ने की ट्राई करते हैं। फिर हमारा स्टेप्स कंप्लीट किया हम लोग ने पूरा। सच में ये ट्रैवल जो हम लोग करते हैं बहुत अच्छा रहता है, फील भी अच्छा होता है। आप लोग भी एक बार भी चढ़ के जाओ। ये लगेज काउंटर है, जो हम लोग नीचे लगेज देते हैं ना, वो सारा लगेज हम लोग ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये रोडवे होते हैं, जैसे बसेस रहते बहुत सारे। अच्छा, नीचे का जो रहता है उसको तिरुपति कहते हैं, जो ऊपर माउंटेन चढ़ के जाता है उसको तिरुमला कहते हैं। तो तिरुमला में जाने के बाद आपको तो बहुत सारा शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम लोग अभी ऊपर आने के बाद हमारे रूम बुकिंग नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली हम लोग दर्शन को जा रहे हैं। उस दिन सिर्फ 300 टिकट का दर्शन है और फ्री दर्शन है, दो ही चांसेस है, बिकॉज नेक्स्ट डे रथ सप्तमी है। इसके लिए 3 दिन उन लोग ने वीआईपी दर्शन सब बंद किया था। तो हम लोग सीधा लाइन में गए थे, कोई तो बोला हम लोग को 5 आवर्स में आप लोग को दर्शन हो जाएगा करके, इसके सीधा हम लोग ने लाइन पे गए थे। 7:32 को हम लोग एंट्री किया था, लाइन मूव हो रही ही नहीं उधर से, बहुत भीड़ था लाइन में। तो हम लोग ने सोचा था बाहर निकलने का, तो रास्ता से बीच में से गेट्स मिलते हैं तो उधर से हम लोग ने बाहर आया था। नाइट 12 हो गया, मतलब पूरा 4 आवर्स हम लोग लाइन में हैं, तो हमको दर्शन नहीं हुआ था। सो उस दिन रात में हम लोग को जिसको रूम्स नहीं मिलेगा उन लोग को फ्री लॉकर्स होते हैं, मतलब लॉकर में आप लोग ने सब चीज़ रख सकते हैं, और नीचे कारपेट वगैरह मिलते हैं आप लोग को सोने का, और सुबह उठ के हम लोग फ्रेश हो सकते हैं टॉयलेट्स में। फिर बाद में हम लोग सुबह दर्शन करने के लिए गए थे, दर्शन के लिए हम लोग को 6 घंटे लगा था। सो दिस इज़ अ म्यूजियम है उधर, टीटीडी का म्यूजियम होता है, और ये जलप्रसाद होता है। मैंने जैसे बोला आप लोग को वाटर बॉटल लेके जाओ, और आप लोग उधर जिधर जिधर जलप्रसाद उधर आप लोग वाटर भर सकते हैं। तो उस दिन माड़ावीधि कहते हैं, इधर पूरा भीड़ बहुत था रथ सप्तमी का दिन। सो हम लोग उस दिन, मतलब 2 डेज, एक दिन चढ़ने में ले लिया हम लोग ने, नेक्स्ट डे दर्शन हुआ था। तो दर्शन होने के बस उसी इवनिंग में हम लोग ने रिटर्न आ गया था, बिकॉज हमको रूम नहीं मिला था। तो इसके लिए हम लोग ने नीचे अभी तिरुमला में दर्शन कंप्लीट किया। तो तिरुपति में भी हम लोग को बहुत सारे टेंपल्स होते देखने का। तो नेक्स्ट वीडियो कंपलसरी आप लोग देखिए। बाय।